हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड गाइस। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अमेजोन हॉल, एंड आज मैं दिखाऊंगी आपको कुर्तीज़, बेल्ट्स एंड बैग्स। सो कुछ बैग्स और बेल्ट्स मैंने अपने वार्डरोब में ऐड करा है। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा बेल्ट्स की ज़रूरत थी स्टाइलिंग के लिए, बहुत टाइम से मैं बेल्ट्स नहीं ले रही थी, तो मैंने कुछ परचेज़ की है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सारे की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी माय हॉल स्टोर में। सो लिंक के लिए प्लीज़ क्लिक कीजिए माय हॉल स्टोर। और वीडियो पसंद आती है गाइस तो मेक श्योर करना सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना, कमेंट करना कि कैसी लगी वीडियो, और लाइक जरूर से कर देना। एंड नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट कुर्ता मैंने पिक करा है नेवी ब्लू एंड रेड कलर की कॉम्बिनेशन की। इस पर मेरा साइज लार्ज है और प्राइस 600 रुपीज़ है। मेरी हाइट 5'4" है गाइस, और मुझे इतनी लेंथ आ रही है। आप अंदाज़ा एक लगा सकते हो कि आपको कितनी आएगी। लाइक शॉर्ट हाइट गर्ल्स के लिए भी परफेक्ट है। सो इस पर मिल रही है आपको राउंड नेक, फ्रंट में 3 छोटे छोटे से टैसल्स है, एंड वाइट प्रिंट्स बनी हुई है। लाइक रेड कलर में आपको डिफरेंट प्रिंट्स मिल रही है छोटी छोटी सी, और ब्लू में आपको बड़ी बड़ी सी वाइट फॉइल प्रिंट्स मिल रही है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, 3/4 स्लीव्स है, कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। मटेरियल इसका कॉटन है, एंड एक होता है ना सॉफ्ट, बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉटन, वो है। आपको जैसे वीडियो में नज़र आ रहा है एज इट इज़ आपको वैसे ही रिसीव होने वाली है। इसकी ना कलर चेंज हुई है और ना मटेरियल, जो मैं बहुत क्लोजली भी दिखा रही हूँ। सो इसकी जो फ्लेयर है वो भी मुझे बहुत पसंद आई। लेंथ ऑफ फ्लेयर और मटेरियल तीनों बहुत बढ़िया है। मैंने इसको स्टाइल करा है ये जीन्स के साथ, जो लूज मॉम जीन्स है, तो ये ज़ारा से है। इसका लिंक मैं नहीं दे पाऊंगी, मैंने ऑफलाइन ली है, सूज भी ऑफलाइन ली है गाइज सरोजनी से। और इसको मैंने बोहेमियन लुक दिया है। आप चाहो तो ट्राउज़र, वाइट ट्राउज़र, रेड ट्राउज़र या प्लाजो के साथ भी स्टाइल कर सकते हो। ये पूरी सूट सेट लगेगी दुपट्टा ले लोगे तो, बट मैंने यहाँ पे बोहो लुक आपको दिखाया है क्योंकि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बोहो फैशन की। मुझे मैं ज़्यादातर, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देखते होगे तो आपको पता होगा कि मैं ऐसे लुक बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, और एक्चुअल में रियल लाइफ में मैं यही कैरी करती हूँ। सो उसी तरीके से मैंने आपको दिखाया जो मैं पर्सनली वेयर कर रही हूँ। सो ये आज कुर्ता मैंने इसी तरीके से मैं पहनी हूँ, बाहर गई हूँ, दिन भर पहना रखा है, और बहुत ही ज़्यादा मुझे कम्फर्टेबल लगा। और कैसी लगी आपको आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर से बताएं। सी थ्रू भी नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल है, मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी। नेक्स्ट कुर्ता मैंने ये ग्रीन एंड पिंक कलर का कुर्ता पिक करा है। इस पर मेरा साइज मीडियम है, प्राइस 500 समथिंग है, और कॉटन मटेरियल है, राउंड नेक के साथ है, 3/4 स्लीव्स है। इस पर मैंने खुद का प्लाजो वेयर करा है। फ्लेयर इस कुर्ते की बहुत अच्छी है। आप चाहो तो दुपट्टा लेके एक सूट सेट भी बना सकते हो, पिंक कलर का दुपट्टा ले सकते हो। मैंने ग्रीन प्लाजो के साथ स्टाइल करा है क्योंकि इस पर ग्रीन प्रिंट्स भी बनी हुई है, और मैं टिपिकल पिंक डालकर यू नो बहुत ही कॉमन नहीं बनाना चाहती थी गाइस, इसलिए मैंने डार्क ग्रीन प्लाजो इस पर डाला है। और यहाँ पे बटन्स जो बने हुए ना, फेक बटन्स क्लोथ के, ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और नीचे से जो फ्लेयर आ रही है वो अनारकली वाली बहुत ब्यूटीफुल है। लाइक आप देख सकते हो शेडेड प्रिंट है पिंक में, ग्रीन में, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डार्क ग्रीन के साथ स्टाइल करके दिखाया। डार्क ग्रीन भी आपको यहाँ लीव्स पे नजर आ रही है। सो कपड़ा जैसा आपको नजर आ रहा है ना वीडियो पे, बिल्कुल वैसा ही है मटेरियल, एकदम कॉटन सॉफ्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल, और फ्लेयर भी बहुत अच्छी है। फर्स्ट कुर्ते में थोड़ी नॉर्मल फ्लेयर थी, ये लॉन्ग, जितनी लॉन्ग है उसके हिसाब से एक नंबर बढ़िया प्लेयर है। और ये जो मैंने प्लाजो पहना है, ये भी इसका लिंक नहीं दे पाऊंगी, आप कोई भी लोकल मार्केट से 200 का प्लाजो लेके डाल सकते हो, उतना ही ब्यूटीफुल लगेगा। दुपट्टा पिंक का भी ले सकते हो, लाइट ग्रीन भी ले सकते हो। कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं। प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया कुर्ता सेट है, लुक भी बहुत ब्यूटीफुल आ रही है, सी थ्रू भी नहीं है, एंड काफ़ी कम्फर्टेबल भी है। नेक्स्ट मैंने ये बेल्ट लिया है, और ये बेल्ट गोल्डन प्लस सिल्वर टोन में आपको मिल रहा है गाइस। मेनली मैंने इसे लिया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस होते हैं जिस पे ना गोल्डन बेल्ट जाती है ना सिल्वर जाती है, तो उन ड्रेसेस में ना ये बेल्ट बहुत काम आने वाली है। बहुत टाइम से मैं बेल्ट्स नहीं ले रही थी, इसलिए मैंने फाइनली लिया क्योंकि मैं स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही थी उनके वजह से। क्योंकि अगर आपको पता होगा, आपने मेरी दिल्ली वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा मेरे सारे बेल्ट्स खराब हो चुके हैं। सो अब मैं लेना शुरू कर रही हूँ। स्ट्रेचेबल है और मेरा इस पे साइज 32 आपको नहीं 30 है, आपको साइजेस मिलेंगे तो वो चेक कर सकते हो, 28-30, तो उस हिसाब से ले सकते हो। प्राइस वगैरह आपको मैं स्क्रीन के साइड पे लगा दूंगी, और अगर आप यू नो बेल्ट लगाना पसंद करते हो ना, तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी, बहुत ही ब्यूटीफुल बेल्ट है।
नेक्स्ट बेल्ट मैंने ये फुल सिल्वर वाइट बेल्ट लिया है और इस पर आपको ना लगेगा जैसे शिप लगी हुई है, थ्रेड कवर करा हुआ है, लगेगा कि फिश की जो कवर होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्किन, वैसा लगेगा बिल्कुल। बहुत ब्यूटीफुल ऑफ वाइट बेल्ट है, ये भी स्ट्रेचेबल है, आपको बटन मिल रही है, इस पर भी आपको साइज ऑप्शन मिलेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो वेस्ट के अकॉर्डिंग, बट मुझे लगता है ये आराम से 34 तक तो वेस्ट को आ जाएगी, काफ़ी स्ट्रेचेबल है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। बहुत जल्द आपको ये बेल्ट की यू नो स्टाइलिंग वीडियो देखने को मिलेगी, मैं यूज़ करूँगी अपने सेट्स पे। प्राइस मुझे 400-500 रुपीज़ की मिली है अमेजोन से, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, आप चेक कर सकते हैं, मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूँगी। नेक्स्ट बेल्ट मैंने ये गोल्डन कलर की बेल्ट ली है और ये मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी अमेजोन पे, बट फाइनली मैंने इसे बाय कर लिया। इस पर आपको सिल्वर कलर भी मिलेगा, सो मेटल का बेल्ट है ये और शाइनी लाइक मैट फिनिश वाला नहीं है, बिल्कुल शाइनिंग ऐसे फिनिश वाला है। इस पर मेरा साइज़ 28 आई थिंक है, मोस्टली मतलब बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो साइजेस वाली देते हैं गाइज और जो बिना साइज़ के भी देते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप साइज़ वाली लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने इस पे 30 लिया है और बहुत सारे चेन्स हैं तो आप एडजस्ट कर सकते हो। मुझे ये बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई, काफ़ी स्टर्डी है और इस तरीके के इसके लॉक है जो आप देख सकते हो, आराम से एडजस्ट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आप इसे कुर्ती पे, लहंगे पे स्टाइल कर सकते हो आराम से, लगाने के बाद भी ये बहुत अच्छे से लाइक फिट हो जा रही है, आपको पीछे को लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। सो मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूंगी, सिल्वर चाहो तो सिल्वर ले लो, गोल्डन ले लो, मैं सिल्वर भी बहुत जल्दी मंगाने वाली हूँ। नेक्स्ट मैंने ये बैग लिया है और इस पर एक ग्रीन कलर भी मेरे पास थी, तो ये हाउस ऑफ लारा की बैग है, आई गेस यही ब्रांड है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा। सो डल येलो कलर में आपको वाइट प्रिंट्स बनी हुई है, प्लस ये छोटा सा ब्लू कलर का ड्रीम कैचर बना हुआ है जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये डेली लाइक जब आप सब्जियां लेने जाते हो या रिलायंस फ्रेश, मुझे बहुत जाना होता है तो उस टाइम के लिए कभी कभी आपके पास कुछ झोला टाइम नहीं होता है ना, तो मैंने उस पर्पज से इसे लिया है। फ्रंट पे एक बटन आपको बस मिल रही है एंड काफ़ी स्पेसियस है, अंदर कुछ एक पॉकेट भी मिल रही है चेन वाली, और छोटे मोटे सामान कैरी करने के लिए बहुत अच्छी, अगर आप कॉलेज जाते हो तो भी बहुत काम आएगी, काफ़ी अच्छी झोला काइंड ऑफ बैग अगर आप जो समझ रहे हो वैसे ही है। नीचे अंदर को आपको ये प्रिंट भी मिल रही है जो टर्कोइज ब्लू एंड प्रिंटेड कलरफुल है, प्राइस के अकॉर्डिंग मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी, प्राइस मुझे 400-500 रुपए की मिली है, उस हिसाब से बहुत। नेक्स्ट एंड लास्ट बैग मैंने ये ब्लैक एंड वाइट कलर की ली है सेम ब्रांड से, और फ्रंट पे आपको एक पिंक पैच बना हुआ मिल रहा है एंड इस पर डबल हैंडल है, लाइक एक छोटा हैंडल है, देन एक आपको स्ट्रैप मिल रही है लॉन्ग वाली जिसे आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो। मटेरियल आपको जैसा दिख रहा है फ्रंट से गाइस बिल्कुल एज इट इज़ है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइट है, प्राइस मैं स्क्रीनशॉट पे यहाँ पर लगा रही हूँ। और अंदर आपको आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्पेसियस है, बट कोई भी अंदर को चेन या फिर पॉकेट नहीं मिल रही है आपको, और मैं इसे छू रही हूँ ना तो लाइक डबल ट्रिपल लेयर सॉफ्ट एकदम वेलवेटी कपड़ा होता है ना, मोटा एकदम वैसा है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है ना। आपको साइड पे यहाँ पे एक लटकन भी मिल रही है, एडजस्ट कर सकते हो, स्ट्रैप्स भी ले सकते हो, प्लस आप हैंडल के साथ भी ले सकते हो, तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। कैसी लगी वीडियो कॉमेंट में ज़रूर से बताएं, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय गाइज़।